रायपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में सैकड़ों छात्रों को डिग्री मिली तो वहीं राष्ट्रपति के हाथों कई छात्रों को प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल दिए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रोफेसर जॉर्ज डिसूजा, शिक्षा संस्थान में जाकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। मुझे संतोष का अनुभव होता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभावान युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, 32% आदिवासी जनसंख्या वाला यह प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके यहाँ आगमन से अभिभूत है। आपका आगमन एम्स रायपुर, एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर हुआ है। यह कितने गौरव की बात है कि इस आदिवासी प्रदेश में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षण देने वाली इन महान संस्थाओं की प्रतिभाएं आपकी उपस्थिति में दीक्षा पूरी कर रही हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन का दूसरा सेट भर दिया है। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी 1,00,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई, 36 वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, 5 साल घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार की बड़ी जीत होगी, रिकॉर्ड फिर टूटेगा। कांग्रेस यामन के 5 साल के सरकार के देखे कि नहीं, भूपेश बघेल के 5 साल के सरकार 2018 के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस ला दे रही, 70 सीट तक जिता के दे रही और बड़े बड़े मन वादा करे रही, 36 ठन वादा करे रही, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा करें, 36 में 1 वादा पूरा नहीं करें, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराधगढ़ बना दी, सुंदर बनाए है, जोन गौरवपथ बनाए है, जोन जेल रोड बनाए है, जोन बूढ़ा चराबरा बनाए है, जो रायपुर शहर में 33 टंकी बना के और घर घर में पानी पहुंचाए है, और जोन है नवा बस स्टैंड ला बनाए है, जोन हमार बूढ़ा तालाब के स्टेडियम ला बनाए है, ये कांग्रेसिया मन तो खाली लूट मार के काम करे रही। आज रायपुर जोन दिखा थे वो सुनील सोनी जी के महापौर के कार्यकाल में दिखे। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में छिड़ी अंतर कलह सामने आ गई है। कांग्रेस से दावेदारी कर रहे कन्हैया अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनके पहुंचने की खबर जैसे ही मिली, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया और इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। आपको बता दें, रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था। थोड़ा विचलित होकर के नामांकन भरने का निर्णय लिया था निर्दलीय के तौर पर, लेकिन खबर सारंगढ़ से, बिलाईगढ़ में एसीबी का छापा पड़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रेड पड़ी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते कर्मचारी को पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरटीई के प्रभारी हैं अरुण दुबे, ये 50,000 की रिश्वत ले रहे थे, इन्हें पकड़ लिया। सारंगढ़ से बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आरटीई के प्रभारी हैं अरुण दुबे, 50,000 की घूस ले रहे थे। योगेश हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश पूरी जानकारी। कि जो पूरा मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी है और लगभग 2:45 बजे से दबिश है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जारी है। यहां जो पदस्थ आरटीए के जो प्रभारी हैं अरुण दुबे, उनको एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते लंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सही आपको बता दें कि लगातार जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है लगातार जिले में इससे कुछ महीने पहले भी
पीओ ऑफिस में दबिश दी थी, लेकिन एक बार फिर से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी में इन्होंने दबिश दी है और 50,000 की रिश्वत लेते हुए आरडी के जो अधिकारी है उनको आखिरकार गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ लगभग दोपहर 3 बजे से जांच जारी है कि आखिर जो 50,000 रिश्वत ले रहे थे वो किन किन मामलों के तहत है, इनको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो खुलासा भी करेगी, लिहाजा अभी पूरी तरह से जानकारी स्पष्ट सामने नहीं आ पाई है। धन्यवाद योगेश। इधर बिलासपुर में राजस्व मामले में लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया गया, कलेक्टर ने 3 तहसीलदारों को नोटिस जारी किया है। बिलासपुर तहसीलदार मुकेश देवांगन, रतनपुर के तहसीलदार आकाश गुप्ता, कोटा के तहसीलदार प्रकाश साहू, नोटिस जारी किया गया है। नक्शा बटांकन में ढिलाई बरतने पर नोटिस जारी किया गया है 3 तहसीलदारों को। राजस्व के मामले में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया, कलेक्टर ने बिलासपुर के तहसीलदार मुकेश देवांगन, रतनपुर के तहसीलदार आकाश गुप्ता और कोटा के तहसीलदार प्रकाश साहू को नोटिस जारी किया है। नक्शे से जुड़े काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। और बिलासपुर में ही पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन लिया, यहां भारी मात्रा में नशे के टैबलेट और इंजेक्शन बरामद किए गए, 21 लाख से ज्यादा का नशे का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर कर्मचारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर रायपुर से, गैंगस्टर अमन साहू की 3 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म हो गई और उसके बाद अमन साहू को एक बार फिर केंद्रीय जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट ने अमन साहू को 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसकी पेशी हुई थी। आपको बता दें पुलिस ने तेलीबांधा फायरिंग मामले में गैंगस्टर से पूछताछ की, इसके बाद पुलिस ने रिमांड आगे बढ़ाने की मांग नहीं की, लिहाजा उसे न्यायिक रिमांड जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। रायपुर में बदमाश के आतंक का वीडियो सामने आया है। बदमाश ने ठेले वाले को चाकू लेकर दौड़ा दिया, बदमाश ने ठेले को पलट भी दिया। आरोपी अज्जू पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गरियाबंद में कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ आदिवासी समाज ने FIR दर्ज करवाई थी। कथावाचक ने लोगों की आदिवासी संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया था, लोगों ने आरोप लगाया था आदिवासी संस्कृति के अपमान का। गिरफ्तारी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी।